So guys, we are looking to short Bank Nifty, but मैंने एक लेवल मार्क करके रखा है. अगर उस लेवल के नीचे जाता है, इस लेवल के नीचे, तो ही हम शॉर्ट सेल करेंगे बैंक निफ्टी को, यानी कि उसका पुट बाय करेंगे. सो लेट्स सी एंड वेट कि क्या होता है. बाकी ओवरऑल आज काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ब्रेकआउट दे चुका है, बट वी आर वेटिंग के बिकॉज एक ब्लू कैंडल तगड़ी सी बन रही है. सो बस अगर ये कोई रिजेक्शन वाला वो दे देती है तो वी विल शॉर्ट सेल हियर, अदरवाइज ये एक अच्छा कॉल नहीं रहेगा. जो कि दिख भी रहा है, अच्छा कॉल नहीं लग रहा है बिकॉज ये ऊपर जा रहा है इमीडिएटली. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ सिंगल शॉर्ट कंफर्मेशन बिकॉज आज ऑलरेडी देखो यहाँ पे ट्रैप कर चुका है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, फिर ये दूसरी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रैप कर चुका है, फिर एक और ब्रेकआउट पे यहाँ पे भी ट्रैप कर चुका है. सो पॉसिबली यहाँ पे भी ट्रैप करेगा, इसलिए हम यहाँ पे बाय नहीं कर रहे जब तक ये रेंज के नीचे कोई कैंडल अच्छे से क्लोजिंग नहीं दे देती या कुछ इशारा नहीं दे देता. ठीक है गाइज, फिफ्थ ट्रैप ऑफ द डे. कमाल है यार बैंक निफ्टी, सैल्यूट है आपको यार. आप किस तरीके से, आप सैल्यूट है ब्रो लिटरली. एक और ट्रैप देखो यार, कितने सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होगा बेचारों को, कितनों का सारा का पोजीशन यहाँ फंसाया होगा. ऐसे में देखो अपसाइड होता है तो बाइंग करने का तो वैसे भी कोई नहीं सोचता डेफिनेटली. जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब उनका पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी है. मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे लोग शॉर्ट सेल करने का सोचते हैं, और ज्यादातर ट्रेडर्स को यूट्यूब पे से क्या सीखने मिलता है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे यहाँ पे लोग आज ट्रैप हो गए, फिर दूसरा ट्रेंड लाइन यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए, फिर अगर और एक बनाए तो यहाँ पे से भी ये लोग ट्रैप हो गए. और भी ओवरऑल अगर एक आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना के दिखा देता हूँ आपको. सो ओवरऑल मैं तो आज पांच ट्रैप से बच चुका हूँ बैंक निफ्टी के. पता नहीं इनका प्लानिंग क्या है, किस तरीके से ट्रेडर्स को फंसा रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. और अगर मैं मार्केट डेप्थ में जाके देखूँ अगर पुट के, सो एज यू कैन सी पुट में बायर्स की क्वांटिटी कितनी ज्यादा हो रखी है, 656,000 के आसपास टोटल बाय क्वांटिटी है, जबकि 465,000 के आसपास सेल क्वांटिटी है टोटल. सो इट इज काइंड ऑफ लाइक मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा है जैसा कह सकते हैं, बिकॉज काफी लोग यहाँ पे रेडी बैठे हैं शॉर्ट करने के लिए जबकि आ ही नहीं रहा है कुछ. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. हमको तो ट्रैप का थोड़ा बहुत आइडिया है इसलिए हम काफी सेफली खेल रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कहीं ऐसा ना हो छह ट्रैप से बचने के बाद भी हम एक ट्रैप में फंस जाए. लेट्स सी गाइस, काफी डरावना सीन लग रहा है यार. एंट्री लेने का तो बहुत मन कर रहा है यहाँ पे पुट का, बट यार ये जिस हिसाब से ट्रैप्स बना रहे हैं ना आज, ऐसा लगता है यहाँ पे से भी एक ट्रैप बना के ऊपर चला जाएगा. बहुत डर लग रहा है एंट्री लेने में यार. इसमें तो सब सही लग रहा है, चार्ट्स ऑप्शंस के चार्ट्स पे तो एंट्री लेने जैसा लग रहा है, बट यहाँ पे लग रहा नहीं है एंट्री लेने जैसा. बट मेरे को लगता है ये एक अच्छा ऑप्शन है एंट्री लेने का. सो वी शैल टेक एन एंट्री. मैं प्राइस देख लेता हूँ एक बार सही क्या रहेगा रेंज. आई थिंक 300 से 310 का रेंज ही बेस्ट रहेगा, एंड मुझे 315 का हटा के स्टॉप टारगेट को बढ़ा देना चाहिए, 360 मैक्सिमम टारगेट रखना चाहिए. फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अरे यार प्राइस भी चेंज नहीं किया, उतने भी इसने वो ऊपर जाना चालू कर दिया. क्या है क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन ब्रो. आई थिंक वी शुड सेंड नाउ. यस वी शुड सेंड, मैं सेंड कर रहा हूँ. ठीक है गाइस, ये इससे अच्छी एंट्री तो अपन को नहीं मिल सकती थी. सो मैंने सेंड कर दिया है. नाउ वी विल सी. स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस है. आई मीन हाँ इतना भी छोटा नहीं है बट छोटा है. मैं इनफैक्ट स्टॉप लॉस मॉडिफाई करवा देता हूँ, 278 का स्टॉप लॉस करवा देता हूँ क्लाइंट से, बिकॉज वो सही रहेगा स्टॉप लॉस. मेंटेन 278 SL. ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मैं अपडेट देता हूँ क्या होता है, फिलहाल तो कुछ पता नहीं चल रहा है. ठीक है गाइस. ओके गाइस कम ऑन यार, मार्केट क्या कर रहा है यार, मुझे खुद लाइक समझो मैं रोते रोते बचाओ यार, क्या हो रहा है ये सब, पता नहीं क्या नाटक है यार. मार्केट क्या खेल क्या रहा है हमारे साथ. 281 का लो बना चुका है और हमारा SL है 278 के आसपास, अराउंड देख लो 278 का हमारा SL है और बस गया है SL हिट होने से, बट यहाँ पे हिट हो जाएगा आई नो बिकॉज अब तो ये ऊपर ही जा रहा है. सो यार काफ़ी अजीब व गरीब मार्केट है आज का, वो समझ नहीं आया यार. लाइक इतना अच्छे से एंट्री पे भी हमको ट्रैप कर चुका है, मतलब आज तो प्योर स्टॉप लॉस हंटिंग ही चल रहा है मार्केट में. आई अंडरस्टैंड तो अभी कुछ कर नहीं सकते, इधर वेट फॉर स्टॉप लॉस या तो मैं 290 पे एक्सिट करवा लूँ, जबकि मुझे तो लगता है कि आई थिंक स्टॉप लॉस ही हिट होने वाला है बिकॉज जिस हिसाब से अभी ऊपर जा रहा है आई डोंट थिंक अब नीचे आएगा. बट अब जो डिसिप्लिन है वो तो मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस जो लगा हुआ है वो लगा रहने देते हैं. क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, अभी कितना ही पॉइंट बचा लेंगे यार, 5-6 पॉइंट बचा लेंगे क्या पता. सो बेटर यही है कि अपन स्टॉप लॉस के साथ जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं. ठीक है कुछ होता है तो मैं अपडेट देता हूँ. या स्टॉप लॉस से टारगेट हिट होता है, टारगेट हिट होगा, टारगेट तो नहीं होने वाला शायद.
गाइस मार्केट ने सोचा था कि उसको मुझे फंसाना है, तो उसने हमें फंसा ही लिया आफ्टर ऑल। एज यू कैन सी काफी अजीबो गरीब मूवमेंट्स हैं मार्केट में, आप देख सकते हैं। पता नहीं क्या ही चल रहा है, कुछ बसड़ सी मच रखी है मार्केट में, कुछ कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है, कुछ लाइक कुछ है ही नहीं आज मार्केट। बहुत ही बोरिंग मार्केट, एकदम वाहियात मार्केट है आज का। देखो अभी यहाँ पे हमारा एस एल हिट हो चुका है, हमारा 278 का एस एल था और 277 का लो बना चुका है। कितनी बार हमारे देखो यार यहाँ पे भी हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आया, यहाँ पे भी हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आया, पता नहीं क्या ही चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है मुझे। एंड मैं तो बोलता हूँ बेटर ये कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बिकॉज इतने सब नाटक होने से अच्छा है कि अपन एग्जिट कर ले एंड वेट करें कोई एक अच्छी एंट्री का जो हो सकती हो आए। देख सकते हो आज ट्रैप ही ट्रैप था, पूरा दिन ट्रैप था, यहाँ पे ट्रैप, यहाँ पे ट्रैप, यहाँ पे ट्रैप, यहाँ पे भी ट्रैप था, फिर यहाँ पे भी एक ट्रैप, यहाँ पे भी एक ट्रैप, फिर यहाँ पे भी एक ट्रैप, पता नहीं क्या है सीन है। हमारी एंट्री तो यहाँ पे हुई थी जो हम यहाँ पे ट्रैप हो गए, यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री थी और स्टॉप लॉस हमारा था ये रेंज का, ये वाली रेंज का था स्टॉप लॉस हमारा, और ये हमारा ओके इतना हमारा टारगेट का एक्सपेक्टेशन था। तो इधर तक आया, लो बनाया थोड़ा, बट फिर वापस ऊपर चला गया। So guys, we tried a lot. हमने काफी ट्राई किया शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढने का। राइजिंग वेज पैटर्न आपको दिख रहे हैं, राइजिंग वेज पैटर्न भी बना बट इसमें भी कुछ खास आज मूवमेंट नहीं है। आज ओवरऑल मार्केट एक वन डायरेक्शनल मूवमेंट था एंड काइंड ऑफ बीच में, तो इस रेंज में तो इतना कंसोलिडेट हुआ है कि बहुत तड़पाया है। एक तरीके से देखा जाए तो आज जिस रेंज में है काइंड ऑफ उसी रेंज में अभी एंड एंड मूवमेंट्स में थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। एंड हमने बीच में यहाँ कहीं पे एक बाइंग का भी दिया था, इधर किधर कॉल दिया था सी, वो भी ऊपर गया। आप उसका स्क्रीनशॉट भी उसका मैंने कॉल टेलीग्राम पे भेजा भी था आपको, स्क्रीनशॉट क्या उसका, तो लाइव कॉल मैंने टेलीग्राम पे भेजा था। जो लोग टेलीग्राम पे हैं आपको फॉलो करते हैं, उन्होंने अगर ट्रेड लिया होगा तो प्रॉफिट किया होगा, आप भी जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो आज ओवरऑल बायर्स का डे था बट ओवरऑल मार्केट आज मुझे बहुत बोरिंग लगा एंड काफी बेकार लगा। देखो अभी भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे अगर अपन देखें इसको राइजिंग वेज को अच्छे से लगा के देखे तो इधर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका था बट वापस नीचे आया, वापस ऊपर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही आज। इसलिए हम मैं आज अभी जल्दी मार्केट क्लोज कर रहा हूँ, 2:15 ही हुए अभी तो, बट आई थिंक अभी कोई हमको एंट्री नहीं मिलेगी न्यू, एंड अगर मिलेगी भी तो मैं वो लूंगा नहीं क्योंकि अभी ट्रस्ट नहीं आ रहा मुझे आज मार्केट पे। तो अगर आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, अगर आपको हमारा प्राइवेट व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है क्योंकि हम टेलीग्राम पे तो सिर्फ एक ही कॉल देते हैं डेली का फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड व्हाट्सएप ग्रुप में हम डेली 3-4 या एटलीस्ट 5-6 दे देते हैं, अच्छा वॉलेटाइल डे होता है तो 6-7 या 8 कॉल्स भी दे देते हैं एक दिन के। तो अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको शेरखान में फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, और ऑप्शंस में हमारा ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपीज़ है, सो नो नीड टू वरी, आपको एक काइंड ऑफ फ्री में ही ज्वाइन हो गया व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐसा ही समझो आप। एंड दूसरा भी एक वे है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का, वो आपको टेलीग्राम पे डिटेल्स मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई लाइव ट्रेड या कुछ नॉलेज के साथ। आज मैंने आपको सिखाया कि कैसे ट्रैप से बचा जाता है, हालांकि हम खुद ट्रैप में फंस गए एंड में, बट हमने स्टिल 5 ट्रैप से खुद को बचा लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना एंड कमेंट करना आपके व्यूज क्या थे आज के मार्केट को लेकर।